सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे आईआरबी इंफ्रा ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और साथ में क्या कुछ अनाउंस हुआ है? अनाउंसमेंट की बात करें तो फर्स्ट इंटरम डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने, ₹1, 10 पैसे। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते भी इसके रिजल्ट कैसे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें आखिरकार कैसा देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखोगे भी हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर, ऑल फिगर इन रुपीज मिलियन में दिए गए, इसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे, ये करंट क्वार्टर या प्रीवियस और या प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर। अगर बात की जाए टोटल इनकम की तो अब की बार जो टोटल इनकम हुई है वो कितनी भी 19,716 मिलियन, यानी कि 1971 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी भी 2,504 करोड़ की, और प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर में थी भी लगभग 1,745 करोड़ की, यानी कि ईयर टू ईयर इनकम में जंप है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर हमें इनकम में गिरावट देखने को मिली है। तो क्वार्टर वन क्वार्टर बेसिस पर इनकम में गिरावट क्यों? क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर में 443 करोड़ की अदर इनकम थी भी और अब के बार कितनी है 118 करोड़ की। तो उसकी वजह से आप लोग देखोगे ये इनकम में फॉल रहा है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके जो टोटल एक्सपेंस है यानी जो खर्चे किए हैं अभी कंपनी ने वो कैसे हैं, लगभग 1,689 करोड़ के प्रीवियस में क्या थे 2,060 करोड़ के, प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर में 1,474 करोड़ के। तो ईयर टू ईयर एक्सपेंस में जंप है बट क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस भी टूटे हैं और अब की बार जो रिवेन्यू एक्सपेंस है तो ज़्यादा ही है भाई, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया, लेकिन कितना प्रॉफिट है तो वो यहाँ पर देखोगे भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो अब की बार 139 करोड़ 98 लाख का प्रॉफिट बनाया, जो प्रीवियस क्वार्टर में 188 करोड़ का प्रॉफिट था और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 133, यानी कि ईयर टू ईयर तो आपको रिजल्ट्स ठीक आते हुए नजर आए हैं, क्वार्टर वन क्वार्टर बेसिस पर हल्के से डाउन आते हुए नजर आए हैं भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका जो अर्निंग पर शेयर है यानी कि जो ईपीएस हमें देखने को मिला हुआ है भाई 23 पैसे, जो प्रीवियस में 31 था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 22 पैसे। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी ये रिवेन्यू सेगमेंट है, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप लोग डिटेल में देख लेना भी किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। तो अब के बार कंस्ट्रक्शन से जो रिवेन्यू है उसमें थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिली प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले। इसके अलावा ये जो नोट्स है ना भाई इन्हें आप लोग डिटेल में पढ़ लेना ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या कुछ होते हुए नजर आए। तो इस रिजल्ट्स का देखो भी कैसा इंपैक्ट रहेगा, इसका इंपैक्ट आप लोग देखोगे यहाँ से जो इसका अर्निंग क्या बोलते हैं डेट इक्विटी रेशो है प्रीवियस क्वार्टर के सेम रहे लेकिन प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से इंक्रीज हुआ इसका डेट। इसके बाद देखोगे इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन है तो नेट प्रॉफिट मार्जिन प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा डाउन आया भी 9% से 8% रहे लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे ये सेम रहा। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसके जो ऑपरेटिंग मार्जिनस है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ा सा डाउन है बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये इंक्रीज हुआ है। तो यानी मिले जुले से रिजल्ट्स आए हैं अभी, कुछ बड़ा इसको ये भी नहीं कह सकते कि बैड रिजल्ट्स है और ये भी नहीं कह सकते कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो ठीक ठाक अभी इंपैक्ट भी इसका ठीक ठाक ही हमें देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।